यू हैव एनी वेज सैंडविच लाइक सैंडविच? जी मैं इंडिया से हूँ। आपको हिंदी आती है? आप भी इंडिया से हैं? हाँ नेपाल से है। नेपाल से भी यहाँ पे है। अच्छी बात है कि आपको हिंदी बात करने मिलेगा। अच्छा यहाँ पे कोई प्योर वेज सैंडविच वगैरह मिलती है? मीट आइटम मिलेगा। ओके तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टोक्यो में आज मेरा पहला दिन है और टोक्यो की नाइट लाइफ कैसी रहती है देखेंगे। चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी रेडी होंगे और उसके बाद में अपने ब्लॉग को शुरू करेंगे। फिल वक्त मैं हूँ अपनी होटल में। ये इस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए आज के ब्लॉग को शुरू करेंगे। फिल वक्त यहाँ पे रात के 7 बज रहे हैं और टोक्यो की नाइट लाइफ हम देखेंगे कि आखिर टोक्यो में नाइट लाइफ कैसी होती है। तो चलिए पहला दिन जापान का, जापान की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। आज यहाँ पे बारिश है और सर्दी तो पूछो नहीं, बहुत ठंड है। ये है जापान की स्ट्रीट टोक्यो। ये टोक्यो सिटी है, सेंटर ऑफ टोक्यो। चलिए ऐसे ही रास्ता तो नहीं मालूम, तो एक जगह तो जाना होगा। सीधे जाने से चले जाएंगे और कुछ खाएंगे फिर वैसे यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। देखिए स्ट्रीट पे कहीं भी आपको छोटा सा भी कचरा नज़र नहीं आएगा। कहीं से भी देख लीजिए आप, छोटा सा भी कुछ भी कचरा नज़र नहीं आएगा। फिर ये रोड है कि ये यहाँ की टैक्सी है, जापानीज टैक्सी। जो कुछ देर से बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी हुई है। तो ऐसी है टोक्यो जापान की लाइफ। गर्म पहनना बहुत ज़रूरी है आपको, थर्मल, क्योंकि अपन जो ममालिक से आते हैं तो वहाँ से मतलब हर मौसम का अपने को आदी है। तो यहाँ पे जो मौसम है वो मौसम में आपको एकदम ठंड मौसम में अगर आप आ जाएंगे तो आपको लाजिम थर्मल पहनना होगा। फिर उसके बाद में गर्म कोई भी टी शर्ट आती है, उसके बाद में फिर जैकेट लाजिम, आप ग्लव्स टोपी यूज़ करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे फरवरी और मार्च में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इस हिसाब से आपको गर्म रहना होगा। अभी इस तरफ जाएंगे हम, पूरी फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे बहुत शायद कम जगह मिलता है वेज और तकरीबन नॉन वेज है यहाँ पे। अगर आप नॉन वेज खाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से नॉन वेज खा सकते हैं। और कोई अगर रेस्टोरेंट पे, अगर यहाँ पे 7-Eleven भी है, कोई भी रेस्टोरेंट पे अगर आपको हलाल का बोर्ड दिख जाए तो आप
वहाँ से जिसको हलाल लेना है वो हलाल है। 7-Eleven के अंदर जाएंगे, ATM भी है, अच्छा है। अंदर आने के बाद में बड़ा सुकून दिख रहा, बाहर का जो मौसम है उस हिसाब से यहाँ पे भी गर्म चीज़ें ग्लव्स वगैरह हर जगह मिल जाते हैं आपको, थर्मल ग्लव्स। प्राइजेस लिखे हुए हैं 440 ही आने, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। You have any veg burger, veg sandwich? Veg, no veg sandwich? Yes. So यहाँ पे ये वेज है, स्ट्रॉबेरी सैंडविच, ब्लूबेरी सैंडविच, अलग अलग फ्लेवर्स हैं। जब कभी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या आप कोई मुश्किल वक्त में हो तो अल्लाह ताला की मदद ऐसी होती है, देखिए आप अल्लाह की मदद। और यहाँ काउंटर पे पूछेंगे, यहाँ पे सॉरी यू हैव एनी वेज सैंडविच लाइक सैंडविच? जी मैं इंडिया से हूँ। आपको हिंदी आती है? आप भी इंडिया से हैं? हाँ नेपाल से, नेपाल से भी यहाँ पे है। अच्छी बात है कि आपको हिंदी बात करने मिलेगा। अच्छा यहाँ पे कोई प्योर वेज सैंडविच वगैरह मिलती है? मीट आइटम मिलेगा। ओके, तो कोई जैसा कि आप अभी बेक करके रखे हैं ना ये वाला, ये हाँ मीट है ये वाला, तो ये वाला मीट तो मुझे समझ नहीं आया। तो वेज के लिए मतलब कोई जगह प्रेफर करेंगे आप? प्योर वेज मिलेगा यहाँ पे? देखते हैं नेपाल से हिंदी में बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, आपको थोड़ा बात करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन जापानीज लैंग्वेज में बात करते हैं और कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। और अगर उनको भी इंग्लिश नहीं आई, अगर आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि गूगल से हेल्प ले लेते हैं। हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उनको जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा गूगल, फिर वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा है। मगर ये मैडम यहाँ पे जॉब करते हैं 7-Eleven में और ये नेपाल से है, तो थोड़ी इनसे पूछ लेंगे हम यहाँ पे कहाँ पे वेज मिलता है, अगर ये रास्ता बता देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे वेज नहीं मिलेगा, ये स्ट्रीट, ये स्ट्रीट का नाम क्या है? अकासाका, टोक्यो अकासाका, 5 किलोमीटर टोक्यो मेट्रो स्टेशन से दूरी पे है ये। ये जो लड़की काम कर रही है 7-Eleven में, ये बता रही थी कि यहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद में लेफ्ट साइड पे मोती रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे क्योंकि भूख जोरों की लगी है। बारिश हो रही है मगर उतनी ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा भी हो गई तो अपने पास में इसलिए भी है। मोती रेस्टोरेंट बिल्कुल इसके करीब में है, यहाँ से एंट्रेंस में मोती रेस्टोरेंट है, तो चलिए मोती रेस्टोरेंट पे जाएंगे हम। एक्सक्यूज मी, इंडियन रेस्टोरेंट मोती, तो ये है मोती रेस्टोरेंट का बोर्ड।
आधे को भी तो यहाँ पे होटल में वीडियो बनाना नहीं है, होटल में वीडियो नहीं बनाना। अच्छा है, खाना अच्छा है और मज़ेदार भी है, जैसा आप इंडिया में खाना खाते हैं उसके अंदर से। हम आ चुके हैं नीचे और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मुझे अनिल भाई बताए जो रेस्टोरेंट में इंचार्ज है, वो बता रहे थे वहाँ पे नीचे मेट्रो स्टेशन है, चलिए मेट्रो स्टेशन में जाएंगे। फैमिली मार्ट में क्या क्या है ये भी देखेंगे। यहाँ पे एंटर होते ही सब जगह से आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं और इसके फ्लेवर्स हैं यहाँ पे। थर्मल यहाँ के, यहाँ से थर्मल लेना बेहतर है, अपन अपनी कंट्री से जो थर्मल लेके आते हैं वो थर्मल में और ये थर्मल में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से लेके, तो यहाँ से थर्मल लेना, लॉन्ग स्लीव वाले थर्मल लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ के मौसम यहाँ के वेदर के हिसाब से बने हुए रहते हैं। तो ये है जापान की नाइट लाइफ, अभी बारिश बढ़ने के बहुत सारे आता है, बारिश हो रही है, ऐसी बारिश नहीं है बस महसूस हो रही है कि बारिश हो रही है। ये जो लोग स्ट्रीट पे खड़े हैं ये लोग अपने अपने रेस्टोरेंट में कस्टमर को बुलाने के लिए खड़े हैं, रास्ते से कस्टमर को पकड़ते हैं ये लोग और अपने रेस्टोरेंट में ले जाके छोड़ते हैं। तो ये फूड स्ट्रीट है तो लोग ज़्यादा आते हैं देखते, ये लोग कस्टमर पकड़ के ले जाते हैं। ये रात में यहाँ पे 10:30 हो रहा है, 10:30 PM रात से एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर आने के बाद में थोड़ा महसूस हो रहा था, फिर तो जब आ जाएंगे तो थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा, क्योंकि बाहर रहेंगे तो सर्दी थी, देख के यहाँ सर्दी है, हमारे मुल्कों में इतनी सर्दी नहीं होती, सर्दी का भी एक मौसम होता है मगर यहाँ का मौसम बहुत अलग है। चलिए मैं आ चुका हूँ होटल में, ये मेरी होटल है और मैं आ चुका हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर देना आने वाले और भी ब्लॉग्स आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।